हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट और फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ ओलंपिक्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के, जिसमें से आपकी प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक, भारत में ओलंपिक का स्थान, कब कब क्या शुरू हुआ, सभी क्वेश्चन का जवाब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे तक का हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को धैर्यपूर्वक अच्छे तरीके से देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपीटेट हो, अदर स्टेट का कोई भी टीजीटी पीजीटी हो, सभी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी वीडियोज, एमसीक्यूज वीडियोज, ऑनलाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी प्रकार की चीज़ों अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। धैर्यपूर्वक आप बने रहिए। क्वेश्चन है कि अनधिकारिक तौर पर भारत ने अपने 4 एथलीट को कब और किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने को पहली बार भेजा था। जैसा कि आप सबको याद भी होगा, तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में भारत ने अनधिकारिक तौर पर 6 खिलाड़ी को भेजा था। कितने खिलाड़ी को? 6 खिलाड़ी को भेजा था, उसमें से 4 धावक यानी कि एथलीट थे और 2 कुश्ती के खिलाड़ी थे। यहाँ पे क्या पूछा है कि 4 एथलीट को, आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि हाँ 6 खिलाड़ी भेजा गया था, यहाँ 4 पे 4 लिखा गया है, 4 खिलाड़ी भेजा गया था लेकिन उसमें एथलीट कितने थे? 4 ही। 6 खिलाड़ी भेजे गए थे लेकिन एथलीट थे 4 ही, इसलिए यहाँ पे 4 एथलीट लिखा गया है। तो अधिकारिक तौर पर भारत ने अपने 4 एथलीट को किस ओलंपिक में भेजा था? 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। और कितने खिलाड़ी को भेजा था? तो 6 खिलाड़ी को, यानी कि कुल 4 धावक थे और 2 कुश्ती खिलाड़ी। नेक्स्ट है, एचसी बक के नेतृत्व में 8 एथलीट्स को की टीम अनधिकारिक तौर पर कहां वह किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई थी? तो यह 1924 पेरिस फ्रांस में 8 खिलाड़ी ने भाग लिया था, जिसमें से 7 धावक थे और 1 टेनिस खिलाड़ी। 1924 पेरिस फ्रांस में द्वितीय बार भारत ने अनधिकारिक तौर पर ओलंपिक में प्रतिभाग किया था। किसके निर्देशन में? एससी बक के नेतृत्व में। एससी बक कौन थे? ए, अमेरिका के शारीरिक शिक्षक थे और इन्होंने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना भारत में चेन्नई में 1920 में स्थापित किया और ये भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में कब और कहां भाग लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि भारत आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में कब भाग लिया और कहां भाग लिया। तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भारत ने भाग लिया और भारत ने पहला स्वर्ण पदक भी हॉकी में 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में प्राप्त किया और उसका कप्तानी कर रहे थे, कप्तान थे भारतीय हॉकी दल के, भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे, कौन थे कप्तान? तो थे जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। और भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया, इसलिए 1928 को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि भारत अनधिकारिक तौर पर पहली बार भाग लिया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, जिसमें 6 खिलाड़ी भाग लिए थे, 4 धावक, 2 कुश्ती के खिलाड़ी, और दूसरी बार अनधिकारिक तौर पर भाग लिया था 1924 पेरिस फ्रांस में, 8 खिलाड़ी भाग लिए थे, 7 धावक और 1 टेनिस खिलाड़ी। और आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया था, तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, और 21 खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें 7 धावक और 14 हॉकी के खिलाड़ी थे, और भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है 1928 को। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां पे हुआ था। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो 776 ईसा पूर्व ओलंपियास
नामक स्थान पर यूनान में प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुआ था। जैसा कि दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल जो है कब से कब तक चला, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है वह 776 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक चला। कब तक चला? 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक चला। दोस्तों यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक। ऑप्शन में आपको कब तक चला तो 394 ईसा पूर्व दे देगा, 394 ईस्वी दे देगा, तो वहां पे आपको ईस्वी और ईसा पूर्व में ध्यान रखना है। तो 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक यानी कुल 293 ओलंपिक खेल संपन्न हुए 1200 वर्षों तक। और फिर क्वेश्चन आता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल का पतन कैसे हुआ, किसने पतन कर दिया? तो 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने राज्य आदेश द्वारा इसको प्रतिबंधित करवा दिया। इसके लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता इसमें। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक की किन दो महापुरुषों ने शुरुआत करने में मदद किया था? तो पिसेट्स एंड एलियंस ने। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन ओलंपिक जिस क्षेत्र में जहां भी आयोजित होता था उसको बोला जाता था सेक्रेट ऑफ एल्टिस। क्या बोला जाता था? सेक्रेट ऑफ एल्टिस। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों ओलंपिया कहां है? यह यूनान में है। कहां है? यूनान में है। और ओलंपिया जो है आपके यूनान में है, वहां पे जीएस की मूर्ति होती थी 40 फीट ऊंची। वो भी जीएस की मूर्ति कितना फीट ऊंची था? 40 फीट। वो भी किसकी बनी थी? हाथी दांत की बना हुआ था। ओलंपिया नगर के ठीक मध्य में बना हुआ था। और ओलंपिक जो प्राचीन ओलंपिक हुआ होता था तो प्राचीन ओलंपिक जो उद्घोषक करता था उसको स्पोंडोफोरी कहा जाता था। और वहां पे जो रथ दौड़ होता था उस रथ दौड़ के मैदान को हिप्पोडर्म बोला जाता था। और आधिकारिक गढ़ जो होता था, जो प्राचीन ओलंपिक खेल में अधिकारी गण होते थे उन सबको हेलन डिकोई बोला जाता था। ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था कि अधिकारी गणों को क्या बोला जाता है, तो हेलन डिकोई। और प्राचीन ओलंपिक खेल होने वाले महीने को, जिस महीने में प्राचीन ओलंपिक खेल होता था उस महीने को हीरोमेनिया बोला जाता था। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ समझते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? तो जैसा कि आप सबको पता है यह जीएस देवता तथा हेरा, जीएस देवता थे उनकी पत्नी का नाम था हेरा, इन देवता के समक्ष ये प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होते थे इन्हीं के सम्मान में। नेक्स्ट, प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था, यानी जिस महीने में प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होता था उस महीने को बोला जाता था हीरोमेनिया। क्या बोला जाता था? हीरोमेनिया। नेक्स्ट है, 5 ईसा पूर्व ओलंपिक के मैदान दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? तो दोस्तों जैसे कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोला जाता है, तो 5वीं ईसा पूर्व ओलंपिक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? तो हेरोडोटस आया था। और क्वेश्चन ये पूछ भी लिया जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजय खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी थी? तो दोस्तों प्राचीन कालीन ओलंपिक में पिंडार नाम का एक कवि हुआ करता था जो विजेताओं के सम्मान में कविता गाया करता था प्राचीन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्तिकार ने
विजय खिलाड़ियों की संगमरमर की मूर्ति बनवाई। तो किस मूर्तिकार ने बनवाया था? फिरियास ने बनवाया था। यह विजेताओं की संगमरमर की मूर्ति बनाया करता था। जैसा कि दोस्तों प्राचीन ओलंपिक के बारे में यदि आपको थ्योरी सेशन पढ़ना है, टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट जानना है, तो आप प्राचीन ओलंपिक सर्च करके या चैनल पे जाकर के ओलंपिक के इतिहास वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन कालीन ओलंपिक का पहला विजयी खिलाड़ी जिसने वन स्टेट दौड़ में भाग लिया था वह कौन था? कोरोबल। क्या था? कोरोबल था। यहां पे थोड़ा नाम मिस्टेक लिखा गया है, कोरोबल। ठीक है, तो प्राचीन ओलंपिक में प्रथम विजेता कौन था? तो कोरोबल था। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक का प्रथम विजेता कौन था? तो कोरोबल था। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान पर स्थित मंदिर की पुजारिन को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन कालीन खेल में जो आयोजित होने वाला स्थान था, वहां जो मंदिर था, उस मंदिर में जो पुजारिन थी, उस पुजारिन को डिमेट्रियस कहा जाता था, डेमेत्रा बोला जाता था। ठीक है, डेमेत्रा। और दोस्तों जैसा कि प्राचीन कालीन ओलंपिक में स्त्रियों में को भाग लेना वर्जित था, स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, बट इसमें देखने के लिए इसके अंदर सिर्फ ये पुजारिन जिसको डेमेत्रा बोला जाता था यही अंदर जा सकती थी। जैसा कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि महिलाओं को खेल में भाग लेना और देखना भी वर्जित था प्राचीन ओलंपिक खेल में, लेकिन सबसे पहले कौन देखा, कौन इस नियम को तोड़ा, वह महिला का नाम था फेरानाइस महिला। वह महिला थी फेरानाइस। वह अपने पुत्र पीसीडोरस को, वो बॉक्सिंग का खिलाड़ी था, उसका पुत्र, अपने पुत्र पीसीडोरस को प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखने के लिए इस नियम को तोड़ा। तो किसने तोड़ा? फेरानाइस नाम की महिला ने। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? तो जो घोषणा करता था खेल की, प्राचीन ओलंपिक की, उस उद्घोषक को स्पोंडोफोरी बोला जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन कालीन ओलंपिक में जो रथ दौड़ होता था उस जिस मैदान में, उस मैदान को बोला जाता था हिप्पोडर्म। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजय खिलाड़ियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? तो ओलिव को पुरस्कार के रूप में दिया जाता था, ओलिव का पत्ता पहना जाता था। ठीक है, पुरस्कार के रूप में। यानी कि जैतून की टहनी। ठीक है, और सर्वप्रथम विजेता कौन था? कोरोबल, एक धावक था। और दोस्तों जो प्राचीन दार्शनिक थे ईरान के प्लेटो, यह मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है, कौन सी महिला प्राचीन कालीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी थी? तो कौन दोस्तों, कौन थी वह महिला? वह महिला थी फेरानाइस। क्या नाम था? फेरानाइस नाम था उसका, फेरिंस कहिए चाहे फेरानाइस कहिए। ठीक है, क्योंकि प्राचीन कालीन ओलंपिक में महिलाओं को भाग लेना और देखना भी वर्जित था, फेरानाइस नामक महिला ने ही अपने पुत्र पीसीडोरस को बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखने के लिए इस नियम को तोड़ा। नेक्स्ट है, फेरानाइस नाम की महिला ने ओलंपिक के नियम तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा? तो पीसीडोरस उसके बेटे का नाम था और उन्हें बॉक्सिंग खेल को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को क्या कहा जाता था? तो जो प्राचीन कालीन ओलंपिक होता था, जो उसमें अधिकारी गण होते थे, उसको हेलन डिकोई बोला जाता था। नेक्स्ट है, मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को पैनक्रेशन बोला जाता था। नेक्स्ट है, किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई थी? तो दोस्तों वह था थियोडोसियस प्रथम। यह रूस का, रोम का तत्कालीन शासक था। 394 ईस्वी में
इसने ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक को प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया। उसके बाद 394 के बाद प्राचीन ओलंपिक बंद हो गया। उसके बाद 1896 में आधुनिक ओलंपिक के पिता कहे जाने वाले पियरे बेरेंडी कुबर्टिन ने आधुनिक ओलंपिक को 1896 6 अप्रैल को शुरुआत किया। तो कई क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, बस वीडियो को देखते रहिए, आपकी सभी समस्याओं का हल इसी वीडियो में मिल जाएगा ओलंपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है, थियोडोसियस नामक राजा किस देश का शासक था? उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर किस सन में रोक लगाई थी? तो मैं अभी तुरंत बताई हूँ, जो थियोडोसियस प्रथम था वह रोम का शासक था और वह 394 ईस्वी में रोक लगाई थी। ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया था? दोस्तों वो है आधुनिक ओलंपिक के पितामह कहे जाने वाले बेरेन पिरेडी कुबर्टिन। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक के पितामह किसे कहते हैं? बेरेन पिरेडी कुबर्टिन को। नेक्स्ट है, आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? तो बेरेन पिरेडी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट है, कुबर्टिन का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1863 को और 1937 को इनका मृत्यु हुआ था। दोस्तों ये फ्रांस के थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया था? तो दोस्तों ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम 23 जून 1893 में स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दोस्तों आईओसी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईओसी को बनाया था बेरेन पिरेडी कुबर्टिन ने। कौन बनाया था? आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका आयोजन 23 जून 1894 में पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर पिरेडी कुबर्टिन द्वारा किया गया था। और इसमें कुल 12 देशों के प्रतिनिधियों ने इस कमेटी में भाग लिया था। इन्होंने मिल करके इसको बनाया था आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरुआत करने के लिए। और यह आईओसी ओलंपिक खेलों का संचालन करती है और इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रथम मंत्री बेरेन पिरेडी कुबर्टिन ही बने थे। एक अध्यक्ष होता है 8 साल के लिए। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईओसी का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो 8 वर्ष के लिए होता है और इसमें 2 उपाध्यक्ष होते हैं, 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 7 कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होते हैं, वो भी 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित हुए थे? तो दोस्तों ग्रीस की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था पैनाथोनिक स्टेडियम में। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो 6 अप्रैल 1896 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था? तो वह स्टेडियम था एथेंस के पैनाथेनिक स्टेडियम में। नेक्स्ट है, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है लोसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस देश के थे? तो ये थे डिमेट्रियस विकिलस थे ग्रीस के और वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? तो 16 दिन तक चलता है।
नेक्स्ट है ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होता है। तो यह प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर आयोजित होता है। नेक्स्ट, आईओसी कितने वर्ष पहले अगले होने वाले ओलंपिक शहर की घोषणा करता है। तो 6 साल पहले करता है। वो भी किसको दिया जाता है? शहर को, ठीक है, देश को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित होती है। तो दोस्तों, जो आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वह साल में एक बार तथा ओलंपिक वर्ष में 2 बार होती है। यानी कि प्रत्येक साल एक एक बार कमेटी की मीटिंग होती है, लेकिन जिस वर्ष ओलंपिक आयोजित होता है उस वर्ष 2 बार आयोजित होता है। नेक्स्ट, ओलंपिक का मोटो क्या है। तो ओलंपिक का मोटो क्या है दोस्तों, जो ओलंपिक का मोटो है वो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस। सिटियस अल्टियस फोर्टियस यानी फास्टर हायर स्ट्रांगर। क्या है? फास्टर हायर स्ट्रांगर। तो ओलंपिक का मोटो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसको बनाया था हेनरी डिरान ने 1881 में। दोस्तों, सिटियस अल्टियस फोर्टियस इसका मतलब होता है फास्टर हायर स्ट्रांगर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली। कहने का तात्पर्य है सिटियस मतलब होता है फास्टर यानी कि और तेज, यानी अधिक तेज दौड़ना। अल्टियस का मतलब होता है हायर यानी और ऊंचा, यानी अधिक ऊंचा कूदना। फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रांगर यानी और बलशाली, यानी अधिक मजबूत होना। और एक नया शब्द अब जुड़ गया है सिटियस अल्टियस फोर्टियस के। सिटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्युनेटर, ठीक है, सिटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्युनेटर, जिसको हम बोल सकते हैं फास्टर हायर स्ट्रांगर एंड टुगेदर, जिसका अर्थ हो गया टुगेदर मतलब एक साथ चलना। तो आपको याद रखना है कि अब ओलंपिक मोटो कितने हैं? 4 हैं, सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनेटर यानी फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। यानी इसका मतलब हो सकता है अधिक तेज दौड़ना, अधिक ऊंचा कूदना, अधिक मजबूत होना और एक साथ चलना। जैसे कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको किसने बनाया, तो हेनरी डिरान ने बनाया। और ये कहां पे होता है? ओलंपिक छल्लों के नीचे ये मोटो स्थित होता है। जैसे कि जो हमारे जो ओलंपिक ध्वज है उसको बनाया था पियरे डी कोबर्टिन ने 1913 में। और सबसे पहले ओलंपिक ध्वज फहराया गया 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। और यह सफेद दुधिया कलर का होता है। इसमें 5 छल्ले आपस में W के आकार के जुड़े रहते हैं, जिसमें रंग होता है नीला, पीला, काला, हरा, लाल। जिसमें से नीला जो है यूरोप का प्रतीक होता है, पीला एशिया का प्रतीक होता है, काला अफ्रीका का प्रतीक होता है, हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक होता है, लाल अमेरिका का प्रतीक होता है। और इस छल्ले को ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थायी रूप से मान्यता कब मिली? तो 1924 पेरिस फ्रांस में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के मोटो के 3 शब्दों का अर्थ क्या है। तो अब दोस्तों 3 शब्द नहीं, 4 शब्द हो गए हैं सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनेटर, जिसका अर्थ सिटियस का होता है सबसे तेज यानी फास्टर, अल्टियस का अर्थ होता है हायर यानी सबसे ऊंचा, फोर्टियस का अर्थ होता है स्ट्रांगर यानी कि सबसे बलशाली, और चौथा जुड़ गया है अब लैटिन शब्द कम्युनेटर, जिसका अर्थ होता है टुगेदर यानी एक साथ, यानी एक साथ चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं। तो ओलंपिक के झंडे में 5 छल्ले बने हुए हैं। कितने? 5 छल्ले बने हुए हैं डब्लू के आकार का। कैसा? डब्लू के आकार का, जैसा कि इस तरह का आपका ओलंपिक का छल्ला है डब्लू के आकार का, ठीक है। तो इसमें कितने रंग होते हैं? नीला, पीला, काला, हरा, लाल।
नेश ओलंपिक के छल्लों के दाएं से बाएं रंगों का विवरण किस तरह है? तो यह है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। नेश ओलंपिक के छल्लों में जो पांच रंग होते हैं वे किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? तो यह दर्शाते हैं जैसे कि जो नीला कलर हो गया यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, काला अफ्रीका देश को दर्शाता है एंड हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, महाद्वीप को दर्शाता है, देश को नहीं, ठीक है। और जो लाल कलर है वो अमेरिका को दर्शाता है। ये पांचों महाद्वीप दुनिया की एकता, पांचों रंग यानी पांचों छल्ले जो है वो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये पांचों छल्ले किसका प्रतीक है, तो दुनिया की एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है? तो यह दूधिया सफेद कलर का होता है। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहां फहराया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया। इसको बनाया किसने दोस्तों? इसको पियरे डी कुबर्टिन ने 1913 में बनाया। नेशनल ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया? तो 1913 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने इसको बनाया। नेशनल, किस ओलंपिक में महिलाओं को प्रथम बार प्रतिभाग किया गया? तो महिलाओं को प्रथम बार प्रतिभाग 1900 पेरिस फ्रांस में किया गया ओलंपिक में। नेक्स्ट, ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? ओलंपिक मोटो जो है सीटीएस एलटीएस फोर्डीएस को किसने बनाया था? तो फादर डिडान ने, डेनमार्क के थे इन्होंने, हेनरी डिडान ने बनाया, ठीक है। ये 1881 में इन्होंने बनाया। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई दोस्तों? तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम में प्रथम बार शपथ भी लिया गया और प्रथम बार ओलंपिक ध्वज भी फहराया गया। दोनों बातों को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े गए? तो यह अभी 1920 एंटवर्प बेल्जियम में छोड़े गए। तो तीन चीजें आपको 1920 एंटवर्प बेल्जियम में याद रखना है कि ओलंपिक ध्वज फहराया गया सबसे पहली बार, और प्रथम बार शपथ लिया गया, और प्रथम बार कबूतर छोड़े गए। ये तीनों चीजें 1920 एंटवर्प बेल्जियम में किया गया। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज में पांच छल्लों को मान्यता दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पांच छल्ले हैं नीला, पीला, काला, हरा, लाल, इसको आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने मान्यता कब दिया? तो 1924 पेरिस फ्रांस में इसको मान्यता दिया गया। नेक्स्ट है, कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था और इसके कप्तान थे जयपाल सिंह। कौन था कप्तान? जयपाल सिंह थे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों जब हॉकी का बात आ ही गया, भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार पदक जीता था 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि अभी तक में भारत ने हॉकी में कितने पदक जीते हैं। तो अभी तक में भारत ने 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक को मिला करके 28 से 20 तक में जीता है कुल 12 पदक, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक, जिसमें से 8 आपके गोल्ड हैं, ठीक है, एंड आपके एक रजत पदक यानी कि सिल्वर एंड 3 कांस्य पदक, ठीक है, 3 कांस्य पदक, ठीक है, ब्रांज मेडल। यानी कि कुल कितने मेडल हो गए दोस्तों? 12। कुल कितने मेडल हो गए? 12। यानी अभी तक में हॉकी में भारत ने 12 पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण, ठीक है, 8 स्वर्ण, 1 सिल्वर, 3 ब्रांज मेडल, कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 1928 से लेकर 1980 में लगातार स्वर्ण पदक जीता भारत ने, जिसमें से 1960 में रजत पदक जीता है और 1968, 1972 और 2020 टोक्यो में जीता है ब्रांज मेडल। यानी कुल 12 पदक भारत ने हॉकी में ओलंपिक में हासिल किया है।
और 1928 को भारत का गोल्डन ओलंपिक भी बोला जाता है, क्योंकि भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में प्राप्त किया था, वो भी हॉकी में। नेक्स्ट 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान को थे, तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान 1928 में थे जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि प्रथम बार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और भाग भी लिया था पहली बार। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए? तो 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में पहली बार खेल गांव बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप रेस्ट लेकर के जरूर वीडियो को रोक करके रेस्ट लेकर के देख सकते हैं, क्योंकि जो एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद कहीं जाता नहीं है, आराम आराम से देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप रोक रोक के वीडियो देख लीजिएगा रेस्ट लेकर के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओलंपिक से रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, ऐसा आप किसी वीडियो में एक ही वीडियो में सभी चीज़ें एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं पाएंगे, इसलिए शिद्दत से इस वीडियो को देखिए। और इसका जो मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर हम टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन यानी दूरदर्शन पर ब्लैक एंड व्हाइट का सीधा प्रसारण किया गया मेजबान देश में? तो किस ओलंपिक में पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया ओलंपिक का? तो वो था आपका 1936 बर्लिन जर्मनी में ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया। नेक्स्ट है, HVPM अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है। तो 1936 बर्लिन जर्मनी में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने ओलंपिक में मलखंब प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार एकल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार एकल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, प्राप्त किया था? तो वो थे केडी जाधव जी कुश्ती में। वो भी कब? 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में 57 kg भार वर्ग में इन्होंने जीता था और किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम खिलाड़ी पदक पाने वाले ये बने। तो कितना भार वर्ग में थे? 57 kg भार वर्ग में, ये सब भी पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, पेरी ओब्रायन नामक एथलीट ने 60 फुट स्पर्धा में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो दोस्तों, यह पेरी ओब्रायन नामक एथलीट ने 60 फुट स्पर्धा में 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया और इसने एक नया 60 फुट में टेक्निक की शुरुआत की, पेरी ओब्रायन टेक्निक। जैसे कि 60 फुट में ऑर्थोडॉक्स, पेरी ओब्रायन और डिस्को पट टेक्निक होता है, जिसमें से डिस्को पट जो है आधुनिक शैली है, जिसका मैं डिटेल में बता चुकी हूँ सभी चीज़ें। 60 फुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस सब में कौन कौन टेक्निक प्रयोग होते हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाई हूँ, उस वीडियो को देख के आप अपनी जो डाउट है क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने 4वां स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों, 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने 4वां स्थान प्राप्त किया। जैसा कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया, तो 1948 लंदन ओलंपिक भाग लिया। और 4वां स्थान कब प्राप्त हुआ? तो 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरी बार भाग लिया 1960 रोम ओलंपिक में, उसके बाद वो फाइनल में नहीं पहुंच पाया, आज तक वो भारतीय फुटबॉल टीम ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया, केवल एक बार 4वां स्थान प्राप्त किया था,
वो भी 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में पहली बार भाग लिया था, 1948 लंदन में, दूसरी बार 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में और तीसरी बार 1960 रोम ओलंपिक में। उसके बाद क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ओलंपिक एक देश के दो भिन्न शहरों में आयोजित हुआ? तो 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया आयोजित हुआ। नेक्स्ट, पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था, तो वह था मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ में। तो कौन था वो? मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ में। ठीक है दोस्तों, मिल्खा सिंह जो थे वो 1960 रोम ओलंपिक में फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किए थे 400 मीटर दौड़ में 45.60 सेकेंड में। और दोस्तों इनको, ये जो मिल्खा सिंह थे, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने 1958 एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और राष्ट्रमंडल खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था और अमेरिका ने इन्हें हेजर्ड अवार्ड से नवाजा था और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी बोला जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको मिल्खा सिंह से रिलेटेड याद रखना है। और इनके अलावा और कौन था जो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था? तो वो थे आपके पीटी उषा। 1984 लॉस एंजल्स अमेरिका में पीटी उषा 400 मीटर दौड़ में फाइनल के लिए क्वालिफाई की थी। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस तथा उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और एक बात आपको याद में रखना है, जो IOA है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ, उसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है पीटी उषा जी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया? तो पहला लिप्त खिलाड़ी डोपिंग में कौन पाया गया दोस्तों? तो डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया, यानी डोपिंग का प्रमाण सबसे पहले पाया गया 1960। तो किस ओलंपिक में डोपिंग का पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया, यानी पहला केस कब पाया गया? तो 1960 रोम इटली ओलंपिक में। और इसमें डेनमार्क का रोड साइक्लिस्ट जो था, जिसका नाम था न्यूड एन मार्क जॉनसन, वो लिप्त पाया गया था। यह स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद मृत पाया गया और यह रोनिकल और एम्फिटामाइन ले रखा था, अधिक ले रखा था, जो सहनशीलता को बढ़ाती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार डोप टेस्ट कब शुरुआत हुआ? प्रथम बार डोप टेस्ट कब किया गया? तो 1968 मेक्सिको सिटी में किया गया, वो भी वहां पे स्वीडन के पेंटाथलेट गुनर लिलिंजेवाल पॉजिटिव पाए गए थे टेस्ट में। नेक्स्ट है, एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुआ था? तो दोस्तों 1964 टोक्यो जापान में एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक गान की रचना किसने और किस देश के नागरिक ने किया था? तो ओलंपिक गान की रचना यूनान के स्पाइरा समारास के स्टीम पलामास ने किया था। और यह ओलंपिक गान जो है, नेक्स्ट है, ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक में गाया गया? तो वह 1960 रोम इटली ओलंपिक में प्रथम बार ओलंपिक गान गाया गया। उसके बाद हर बार शुरुआत हो गया, ठीक है, हर बार ओलंपिक के शुरुआत के पहले यह गान गाया जाता है। नेक्स्ट, हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुआ? तो 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई? तो 1968 मेक्सिको सिटी मेक्सिको में शुरुआत हुई, जिसमें स्वीडन के पेंटाथलीट गुनर लिलिंजेवाल डोप पॉजिटिव पाए गए थे। दोस्तों, अपने प्रदर्शन को गलत तरीके से दवाओं को इस्तेमाल करके अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की जो विधि होती है, उसी को डोपिंग कहा जाता है। इसके बारे में डोपिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक को जानने के लिए प्ले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी शारीरिक चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाइए और डोपिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़िए। नेक्स्ट, शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक में हुआ था? तो दोस्तों, शुभंकर की जो शुरुआत है वह
1968 है, ओलंपिक में हुआ था। कब हुआ था? 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में। यहाँ पे दो बातें पूछा जाता है, डायरेक्ट आपका 1968 है तो वही सही हो जाएगा, लेकिन अनधिकारिक तौर पर, अनधिकारिक तौर पर 1968 मेक्सिको सिटी में शुभंकर की शुरुआत हुआ था। और 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक का शुभंकर था, यानी मस्कर था पालोमा कबूतर। क्या था? पालोमा कबूतर। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो मस्कट या शुभंकर की शुरुआत कब हुआ था, तो 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी में। और 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी का जो शुभंकर था, वाल्दी एक शिकारी कुत्ता था। लेकिन आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा 1968-72 का, 68 का पालोमा कबूतर था, 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी का वाल्दी एक शिकारी कुत्ता था। उसके बाद प्रेजेंट में जो हुआ है 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, उसका जो शुभंकर था वह था मिराई तोवा। क्या था? मिराई तोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची कूद की फास्बरी फ्लॉप नामक तकनीक किस धावक ने विकसित की? यानी हाई जंप यानी ऊंची कूद की जो फास्बरी फ्लॉप तकनीक है, जो आधुनिक तकनीक है, वह रिचर्ड फास्बरी ने, जो यूएसए का खिलाड़ी था, यूएसए का जंपर था, उसने शुरू किया। तो दोस्तों नेक्स्ट है, फास्बरी फ्लॉप नामक ऊंची कूद की तकनीक प्रथम बार किस ओलंपिक में अपनाई गई? यह अपनाया गया दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा गया है, फास्बरी फ्लॉप 18, यह अपनाया गया 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में। कब अपनाया गया? 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में। यहाँ पे 1968 होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में फास्बरी फ्लॉप ने सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था। तो ये आपका 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक होगा, 1896 नहीं होगा, क्योंकि 1896 में तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत ही किया गया था। नेक्स्ट, ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है दोस्तों? तो ओलंपिक का जो उद्घाटन है वह मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति करता है। और समापन की घोषणा कौन करता है? तो IOC का अध्यक्ष करता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। और मार्च पास्ट जब होता है ओलंपिक में, मार्च पास्ट में सबसे आगे यूनान देश होता है, उसके बाद मेजबान देश होता है सबसे पीछे, और बीच में जो देश बचे होते हैं वो अल्फाबेट के अनुसार होते हैं। सबसे आगे यूनान देश, सबसे पीछे मेजबान देश, बीच में अन्य देश होते हैं अल्फाबेट के अनुसार। नेक्स्ट, ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं? तो दोस्तों ये ग्रीस यानी यूनान सबसे आगे होता है, अन्य देश अल्फाबेटिकली खड़े होते हैं, और अंतिम में सबसे पीछे होता है मेजबान देश। तो यहाँ पे ग्रीस और यूनान में कंफ्यूज मत होइएगा, यूनान को ही ग्रीस बोला जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक में मेजबान देश के राष्ट्र अध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है? तो IOC का अध्यक्ष करता है। आपको छोटी छोटी चीजें याद रखना है, ध्यान देना है कि जो ओलंपिक का उद्घाटन होता है, उद्घोषणा होता है, उसको करता है मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको आमंत्रित कौन करता है कि आइए इसको शुरू कीजिए या उद्घाटन करिए? तो IOC का अध्यक्ष उनको आमंत्रित करता है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित किया? तो 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 मेक्सिको ओलंपिक में मशाल द्वारा किस महिला खिलाड़ी ने ज्वाला प्रज्वलित किया था? तो वह थी नोर्मा एनरिक्वेता बासिलो सोटेलो, मेक्सिको की महिला थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मशाल जलाने का प्रारंभ सबसे पहले कब किया गया? तो मशाल जलाने का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले 1936 सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मशाल क्यों जलाया जाता है। दोस्तों ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने का प्रतीक चिन्ह होता है मशाल।
ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व ईरान के ओलंपिया गांव के जीस के मंदिर से लाई जाती है। वहां इसे सूर्य के किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन सबसे पहले 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक हालैंड में ज्वाला स्टेडियम में मुख्य द्वार पर इसको जलाया गया था। लेकिन दोस्तों प्रथम बार आधिकारिक तौर पर पूछेगा, प्रथम बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक मशाल कब प्रारंभ हुआ? तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल को ओलंपिक से ओलंपिया नगर से लेकर के सभी महाद्वीपों में से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत हुई और इसकी मशाल दौड़ का प्रस्तावित पारित किया था कार्ल डाइम ने। लेकिन 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित किया गया नेमी एनरिक्वेटा बासिलो सोटेलो, मेक्सिको की महिला थे जिन्होंने पहली बार मशाल से ज्वाला प्रज्वलित किया। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? तो अभी आपने देखा कि ओलंपिक के उद्घाटन की घोषणा कौन करता है, तो मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति करता है। उसको आमंत्रित कौन करता है? तो आईओसी का अध्यक्ष करता है। अब यहाँ पे है कि ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? तो आईओसी का अध्यक्ष, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो थॉमस बाख है, जर्मनी के। नेक्स्ट, 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो अंजू बाबी जॉर्ज था। नेक्स्ट, 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक था मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। कौन था? मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। जैसा कि दोस्तों जो मेजर राजवर्धन सिंह राठौर थे, ये 2004 में रजत पदक निशानेबाजी में प्राप्त किए थे। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिकेट खेलों को ओलंपिक में पहली और अंतिम बार कब शामिल किया गया था? तो क्रिकेट को पहली व अंतिम बार 1900 पेरिस फ्रांस में शामिल किया गया। उसके बाद इसको यह ओलंपिक में नहीं खेला जाता है। नेक्स्ट, भारत के लिए किस एंग्लो इंडियन ने 1900 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में 200 मीटर व 200 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो नार्मर प्रिचार्ड ने। तो दोस्तों यहां पे आपको ध्यान में रखना है, कभी वही क्वेश्चन पूछता है कि भारत ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया, तो 1900 में पेरिस फ्रांस में भाग लिया था। आधिकारिक तौर पर पहली बार कब भाग लिया था? तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में भाग लिया था, जिसमें पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, मैराथन दौड़ की दूरी का मानकीकरण 26 मील 385 गज के रूप में किस ओलंपिक में किया गया? तो दोस्तों 1924 पेरिस फ्रांस में किया गया। जो 26 मील 385 गज का मैराथन दौड़ की दूरी है, यह 1908 लंदन ओलंपिक में पहली बार खेला आयोजित किया गया, लेकिन इसको मान्यता कब मिली? तो 1924 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है, भारत ने किस ओलंपिक में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया? तो दोस्तों 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में भाग लिया। तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1900 पेरिस फ्रांस में लिया, और भारत ने अनाधिकारिक तौर पर पहली बार कब भाग लिया, तो 1920 एडवर्ड ओलंपिक के लिया, और दूसरी बार अनाधिकारिक तौर पर कब भाग लिया भारत ने ओलंपिक में, तो 1924 पेरिस फ्रांस में लिया, और आधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में ये तय किया गया और यूनान देश को सम्मान दिया गया कि वो मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेगा और मेजबान देश सबसे पीछे रहेगा? तो इस बात की शुरुआत हुआ 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। नेक्स्ट है दोस्तों, लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता था 1996 अटलांटा अमेरिका ओलंपिक में। नेक्स्ट है, कर्णम मलेश्वरी ने
भारोत्तोलन के 69 kg भार वर्ग में किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी? तो 2000 सिडनी ओलंपिक में पहली बार दोस्तों भारत की तरफ से पहली महिला पदक विजेता बनी करुण मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में 69 kg भार वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है? तो पाओ नुर्मी को बोला जाता है। और फ्लाइंग सिख के नाम से किसको बोला जाता है उपनाम से? तो मिल्खा सिंह को बोला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, फ्लाइंग फिन के नाम से पाओ नुर्मी, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है, आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईओसी का फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यह 1927 में बनाया गया और दोराबजी टाटा के द्वारा बनाया गया और वर्तमान में आईओए के अध्यक्ष है पीटी उषा, जिसे हम गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोराबजी टाटा थे। वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं पीटी उषा, इसके पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। नेक्स्ट, उन शहरों के नाम बताइए जहां पर ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुका है। तो दोस्तों, एथेंस में हो चुका है, पेरिस में, लॉस एंजल्स में, लंदन में एक से अधिक बार आयोजित हो चुका है। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिकों का आयोजन होते हैं। तो दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक जो होता है, दो ओलंपिक खेलों के बीच के वर्ष में, जैसे 2008 तथा 2012 के बीच का वर्ष 2010 हुआ, ऐसे होता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहां और कब आयोजित हुआ? तो फ्रांस में 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स नामक स्थान पर यह प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, वह कौन सा देश है जिसने अभी तक के सभी शीतकालीन ओलंपिकों में भाग लिया है? तो वह है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, पहली बार किस ओलंपिक ने इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया था? तो 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, ओलंपिक के लिए भारत से पहला निर्णायक कब भेजा गया? तो दोस्तों, पहला निर्णायक भेजा गया 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में लंबी दूरी की दौड़ों में अधिकतर मेजबान देश के धावकों ने अधिकतर पदक जीते? तो 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। नेक्स्ट है, किस पुरुष धावक को 1988 सियोल ओलंपिक में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में डोपिंग में प्रतिबंधित पाया गया? तो बेन जॉनसन अमेरिका का था, उसको डोपिंग में प्रतिबंधित पाया गया 1988 सियोल ओलंपिक में। और यह एनाबोलिक स्टेरॉयड के स्टेनाजोल का इस्तेमाल किया था। जो एनाबोलिक स्टेरॉयड है, वो हमारे शरीर की जो मांसपेशीय शक्ति होती है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। ये डोपिंग के अंतर्गत आपको बताया गया है। तो बेन जॉनसन का नाम याद रखिएगा, ये डोप पॉजिटिव थे। क्वेश्चन देता है कि चार ऑप्शन दे देगा कि कौन इसमें डोप पॉजिटिव पाया गया था, कौन नहीं है। तो आप जब जानते रहेंगे तभी सही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट, प्राचीन कालीन ओलंपिक की अवधि कितने दिन की होती थी? तो 5 दिन की होती थी। आधुनिक ओलंपिक कितने दिन की होती है? तो 16 दिन की होती है। नेक्स्ट है, भारत ने कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? दोस्तों, तो अभी तक में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं 8। और दोस्तों, अब कहा जाए कि अभी तक में कुल स्वर्ण पदक भारत ने ओलंपिक में कितने प्राप्त किए हैं? तो कुल स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं 10। कौन कौन से 10? 8 हॉकी में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं और 1 स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग चीन में प्राप्त किया है और 9 हो गया। और 10वां स्वर्ण पदक जो है आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में प्राप्त किया है। इस प्रकार हॉकी में पूछेगा कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, तो 8। भारत ने सभी खेलों को मिलाकर के अभी तक में ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो 10। हॉकी में 8, निशानेबाजी 2008 में अभिनव बिंद्रा
स्वर्ण पदक जीता 9 हो गया और एक 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है 10 हो गया, कुल 10। नेक्स्ट है, भारत ने अभी तक का अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो 1980 मास्को रूस में अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक जीता था और पहला हॉकी स्वर्ण पदक 1928 एमस्टरडम हॉलैंड में जीता था। नेक्स्ट है, किसने ओलंपिक मशाल को एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ किया? तो 1936 में प्रारंभ किया कार्ल डाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक को क्या कहते थे दोस्तों? तो उसको टैक्सोटोज बोला जाता था, धनुर्विद्या के शिक्षक को। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेट कप्तान ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? वह था डकलस 1908 में। इंग्लैंड का क्रिकेट कप्तान था, क्रिकेट कप्तान होते हुए भी मुक्केबाजी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो वह था डकलस 1908। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में पहली बार कब भाग लिया था? तो 1948 लंदन ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था और दूसरी बार भाग लिया था 1956 में, जिसमें चौथा स्थान प्राप्त किया था। तीसरी बार भाग लिया था 1960 रोम ओलंपिक में, उसके बाद वह कभी क्वालिफाई ओलंपिक में नहीं कर पाया भारत फुटबॉल में। नेक्स्ट है, पहली बार ओलंपिक ज्योति मशाल द्वारा कब प्रज्वलित किया गया? तो 1936 में किया गया आधिकारिक तौर पर पहली बार, ये ध्यान में रखिएगा। और पहली बार किसी महिला ने मशाल से ज्वाला कब प्रज्वलित किया? तो 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में, उस महिला का नाम था नेमी एनरी कुएता बासिलो सोटेलो, मेक्सिको की महिला। नेक्स्ट है, ओलंपिक मोटो सीटीएस का क्या अर्थ है? तो सीटीएस अल्टियस फोर्टियस हायर फास्टर हायर स्ट्रांगर, तो सीटीएस का अर्थ होता है सबसे तेज। नेक्स्ट है, ओलंपिक मोटो अल्टियस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है हायर यानी सबसे ऊंचा, ठीक है। और ओलंपिक मोटो फोर्टियस का क्या अर्थ है? स्ट्रांगर यानी सबसे बलशाली। और तीसरा है, चौथा नया जुड़ गया है कम्युनेटर, जिसको हम कहते हैं टूगेदर यानी कि एक साथ चलना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1968 मेक्सिको ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो पालोमा कबूतर था, ठीक है, पालोमा कबूतर था। एंड नेक्स्ट है, 1972 म्यूनिख ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो वाल्दी एक शिकारी कुत्ता था। नेक्स्ट है, 1976 मार्टेल ओलंपिक का शुभंकर यानी मस्कट क्या था? तो अमिक एक उदबिलाव था, ठीक है। नेक्स्ट है, 1980 मास्को ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो मीसा एक भालू था। नेक्स्ट है, 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो सैम एक बाज पक्षी था। नेक्स्ट है, 1988 सियोल ओलंपिक का शुभंकर क्या था? होदोरी एक बाघ का बच्चा था। नेक्स्ट है, 1992 बार्सिलोना ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो कोबी कुत्ता था। नेक्स्ट है, 1996 अटलांटा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो इजी था। नेक्स्ट है, 2000 सिडनी ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो 2000 सिडनी ओलंपिक का शुभंकर तीन विचित्र एवं दुर्लभ चीज था, जिसका नाम था ओली सैद मिली। क्या नाम था? ओली सैद मिली। एंड 2008 बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो फीवा था, ठीक है। 2008 का क्या था? फीवा। इसमें बीबी जिंग जिंग हुंग हुंग इंग इंग नीनी पांच विचित्र आकृतियां बनी हुई थी। और दोस्तों, एक छूट गया है आपका, 2004 एथेंस यूनान का था, फेवास व एथना। एंड उसके आगे आपका 2012 का नहीं दिया है, 2012 लंदन ओलंपिक का जो शुभंकर था वो था बेनलाग। एंड 2016 रियो ओलंपिक का शुभंकर था विनिशियस। 2020 टोक्यो ओलंपिक का जो था आपका, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है, जो 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोवा, जिसको इंडिगो ब्लू बोला जाता है। मिराई तोवा जो है जापानी में कहावत से प्रेरित एक व्यक्तित्व है, जिसका अर्थ होता है अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो, ठीक है। तो ये आपका ओलंपिक शुभंकर हो गया, 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोवा। नेक्स्ट है,
भारत ने 1932 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में अमेरिका को हॉकी में कितने गोल से पराजित किया था? तो 24-1 से। नेक्स्ट, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1988 सियोल ओलंपिक में। नेक्स्ट है, मुक्केबाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1948 लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, तैराकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1896 एथेंस ओलंपिक में। नेक्स्ट है, फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1908 लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया? तो हॉकी और फुटबॉल दोनों को 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, वाटर पोलो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो वाटर पोलो और क्रिकेट दोनों को शामिल किया गया था 1900 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है, बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1992 में शामिल किया गया था। ओलंपिक में एशियाई गेम में दोनों में कौन सा गेम कब शामिल किया गया है, इसका वीडियो आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं पूरे डिटेल में सभी गेम के। अब बात कर लेते हैं भारत में ओलंपिक में भारत क्या क्या वर्चस्व रहा, जैसे कि इतना समय आप भारत का भी वर्चस्व देखे, विश्व का वर्चस्व देखे, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2012 में 66 किलो वर्ग में रजत पदक विजेता सुशील कुमार को फाइनल में किसने हराया था? तो तात्सुहिरो युनेमित्सु जापान का हराया था। यानी कि आपको याद रखना है कि सुशील कुमार ने किस ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था? तो 2012 में किस भार वर्ग में? तो 66 के जी भार वर्ग में। और कब इन्होंने कहां से पदक जीता था? तो 2008 में जीता था। 2008 में कहां से पदक जीते थे सुशील कुमार? कुश्ती में। और 2012 में रजत पदक जीते थे कुश्ती में। इसके पहले पहली बार कुश्ती में कोई पदक जीता था तो केडी जाधव जी 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में जीता था। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो रजत पदक सबसे पहले पाए थे सुशील कुमार 2012 में 66 केजी भार वर्ग में। और किसको हराकर 2012 में लंदन ओलंपिक में हुआ था, लंदन में? तात्सुहिरो युनेमित्सु जापान के। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओलंपियन कौन है जिन्होंने दो व्यक्तिगत पदक जीते? तो सुशील कुमार पहले ओलंपियन है जिन्होंने दो व्यक्तिगत पदक जीते। किस किस ओलंपिक में? तो पहला इन्होंने पदक जीता था 2008 बीजिंग चीन में, कहां से पदक? 66 केजी भार वर्ग में। और दूसरा जीता था 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक 66 केजी भार वर्ग में। तो दोनों चीजों को याद रखना है। और पहले ओलंपियन कौन है जिन्होंने दो व्यक्तिगत पदक जीते हैं? तो सुशील कुमार। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि दो बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? तो सुशील कुमार है और पीवी सिंधु है। सुशील कुमार 2004 में कांस्य पदक, 2008 में कांस्य पदक और 2012 में रजत पदक प्राप्त किए हैं कुश्ती में। और जो पीवी सिंधु है 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक बैडमिंटन में और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। यानी दो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में दो दो बार पदक प्राप्त किए हैं, सुशील कुमार और पीवी सिंधु। नेक्स्ट, भारत के किस पहलवान ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो वह है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त 2012 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक कुश्ती में यानी पहलवानी में जीता है, रेसलिंग में। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक 2012 में किन स्पर्धा में दो दो पदक जीते हैं? तो कुश्ती और निशानेबाजी में 2012 में दो दो पदक जीते हैं। कुश्ती में कौन कौन था दोस्तों 2012 में? तो पहले थे आपके सुशील कुमार जो रजत पदक प्राप्त किए थे 66 केजी भार वर्ग में, और दूसरे थे आपके योगेश्वर दत्त 60 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक। और निशानेबाजी की बात करें तो विजय कुमार 2012 में रजत पदक प्राप्त किए थे और निशानेबाजी में दूसरे थे गगन नारंग जिन्होंने 2012 में कांस्य पदक प्राप्त किए थे। 2012 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? लंदन ओलंपिक में, लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक 2012 में कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? तो 6 पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है, कौन कथन सही है?
दोस्तों भारत ने ओलंपिक 2012 में 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए थे। 2 रजत पदक में 1 रजत था, कुश्ती में सुशील कुमार रजत पदक प्राप्त किए थे और 1 रजत निशानेबाजी में विजय कुमार प्राप्त किए थे। 4 कांस्य पदक में आपका जीते थे, 1 आपके योगेश्वर दत्त कुश्ती में कांस्य पदक और 1 निशानेबाजी में कांस्य पदक गगन नारंग जीते थे और 1 कांस्य पदक जीती थी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में, 1 मुक्केबाजी में मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था। इस प्रकार 2012 में 2 रजत और 4 कांस्य पदक, कुल 6 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो 2012 में भारत पदक तालिका में 97वां स्थान पर रहा। कितने स्थान पर? 97वां स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, भारत ने 6 पदक जीते हैं, इनमें 4 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो हरियाणा से है। नेक्स्ट है, भारत के मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाले मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों तो मैरी कॉम जो है मणिपुर की रहने वाली हैं। ये बॉक्सिंग है मुक्केबाजी से रिलेटेड, जो 2012 में कांस्य पदक जीती हैं। नेक्स्ट है, भारत को निशानेबाजी में रजत पदक जिताने वाली विजय कुमार का संबंध किस राज्य से है? तो विजय कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में निशानेबाजी में कहाँ से रजत पदक जीते हैं, जो हिमाचल प्रदेश से है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सब पूछ सकता है। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल और गगन नारंग कौन से शहर में रहते हैं? अब तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहलवान सुशील कुमार अब दिल्ली के नफजतगढ़ में रहते हैं, उनका संबंध हरियाणा के किस गांव से है? तो बाप रोला सोनीपत से है। नेक्स्ट, ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में, चीन की किस खिलाड़ी के सेमीफाइनल में खेल छोड़कर चली गई थी? तो इसमें जो 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था, तो इसमें सेमीफाइनल में चीन के किस खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में खेल को ही छोड़कर भाग गई थी? वो थी वेंग एक्स। नेक्स्ट, भारत मुक्केबाजी के पदक तालिका में कौन से स्थान पर था 2012 लंदन ओलंपिक में? तो 16वें स्थान पर। नेक्स्ट है दोस्तों, कुश्ती का पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था लंदन ओलंपिक 2012 में? तो 10वां स्थान था। नेक्स्ट, निशानेबाजी की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान पर रहा 2012 में? तो 10वें स्थान पर। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में भारत कौन से स्थान पर रहा 2012 लंदन ओलंपिक में? 4थे स्थान पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की कृष्णा पुनिया 63 मीटर डिस्कस फेंकने के बाद कौन से स्थान पर रही? तो 7वें स्थान पर रही। तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है, कृष्णा पुनिया किस खेल से रिलेटेड है? तो डिस्कस फेंकने से संबंधित है, ये नहीं देगा तो एथलेटिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारत के लिए ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग के बारे में कथन सत्य है? तो गगन नारंग दोस्तों, गगन नारंग ने कॉमनवेल्थ गेम में 2010 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। और गगन नारंग ने कांस्य पदक जीतने के लिए एयर राइफल 10 मीटर स्पर्धा में 701.1 का स्कोर बनाया था। गगन नारंग ने ओलंपिक 2012 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था। नेक्स्ट है, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभिनव बिंद्रा ने। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि 10 मीटर एयर राइफल में भारत की तरफ से निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। कब जीता था? कि 2008 बीजिंग चीन ओलंपिक में जीता था। तो किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले निशानेबाजी में है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, हिमाचल के विजय कुमार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? तो 2012 के लंदन ओलंपिक में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने रजत पदक जीता था और कांस्य पदक जीता था गगन नारंग ने। नेक्स्ट है दोस्तों, हिमाचल के विजय कुमार ने ओलंपिक 2012 में किन किन स्पर्धाओं में भाग लिया था?
तो वह 10 मीटर एयर पिस्टल में और 25 मीटर रैपिड फायर में भाग लिया था, जिसमें 25 मीटर रैपिड फायर में इन्होंने रजत पदक जीता था। नेहरू भारत के विजय कुमार किस क्षेत्र में नौकरी करते हैं? तो सेना में करते हैं। नेहरू ओलंपिक प्रतियोगिता में अब तक भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो जीता था राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 एथेंस ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत रजत पदक जीता था, वो भी किसमें? निशानेबाजी में। लेकिन पहला आपको पूछेगा व्यक्तिगत पदक किसने जीता था पहला, तो वो हो जाएंगे केडी जाधव जी, 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। यहाँ पहला रजत पदक की बात आएगी व्यक्तिगत स्पर्धा में, तो राजवर्धन सिंह राठौर हो जाएंगे। अब पहला पदक की बात आएगी व्यक्तिगत स्पर्धा में, तो केडी जाधव जी आ जाएंगे। अब पहला स्वर्ण पदक आएगा व्यक्तिगत स्पर्धा में 2008 में, अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में आ जाएंगे। नेहरू लंदन ओलंपिक में ऐसे कौन से खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी हैं जो पहली बार पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे? तो वो थे परपल्ली कश्यप। कौन थी? परपल्ली कश्यप थे। नेहरू ओलंपिक में भारत की मुक्केबाजी टीम कुछ विवादित फैसले होने के बावजूद भी कितने पदक जीतने में कामयाब रही? तो एक कांस्य पदक मुक्केबाजी में कौन जीता था दोस्तों? तो वो थे आपके मुक्केबाजी में एक पदक जीते थे, कौन जीता था मुक्केबाजी में? विजेंद्र सिंह 75 केजी भार वर्ग में जीते थे 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे दोस्तों आपका 2012 की बात हो रहा है कि ओलंपिक में मुक्केबाजी की टीम के विवादित फैसले होने के बावजूद भी कितने पदक जीतने में कामयाब रही? तो एक कांस्य पदक 2012 लंदन ओलंपिक में कामयाब रही। इसके पहले 2012 के पहले आपका जीते थे विजेंद्र सिंह 2008 में मुक्केबाजी में कांस्य पदक। नेहरू लंदन ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में भारतीय मुक्केबाज टीम के कितने खिलाड़ी पहुंचे थे? तो 3 खिलाड़ी पहुंचे थे। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग टीम का खिलाड़ी जो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा वो था विकास कृष्ण यादव। नेक्स्ट, ओलंपिक इतिहास में पहली बार लंदन ओलंपिक भारत में ने किस खिलाड़ी को अमेरिकी दबाव के कारण जीतने के बाद भी हारा हुआ घोषित किया गया? तो वो थे विकास कृष्ण यादव। कौन थे? विकास कृष्ण यादव। कि ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो लंदन ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी, क्या नाम था उनका? विकास कृष्ण यादव, अमेरिकी दबाव के कारण जीतने के बाद भी उनको हारा हुआ घोषित किया गया। बहुत ही यहाँ पे गलत हुआ था। नेक्स्ट, भारत की महिला मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम ब्रिटेन के किस मुक्केबाज से 51 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में हारी थी और कांस्य पदक जीती थी? तो निकोला एडम्स से। ठीक है, निकोला एडम्स से, ये ब्रिटेन की थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पुरुष तीरंदाजी रैंकिंग राउंड में 12वें स्थान पर रही थी, भारत की टीम किस देश की टीम से हारकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गई थी? तो जापान से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की महिला तीरंदाजी टीम रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रही थी, भारत की किस देश की टीम से हारकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गई थी? तो 2012 की बात हो रहा है, तो डेनमार्क से। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी महिला तीरंदाज दूसरे स्थान पर पहुंची थी 2012 लंदन ओलंपिक में? तो बाम्बेला देवी। नेक्स्ट है, भारत के कौन से पुरुष खिलाड़ी तीरंदाजी स्पर्धा में दूसरे दौर में पहुंचे थे 2012 लंदन ओलंपिक में? तो राहुल बनर्जी एवं तरुणदीप राय। नेक्स्ट, भारत के जयदीप कर्माकर
इस स्पर्धा में एक अंक से कांस्य पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे 2012 लंदन ओलंपिक में तो 50 मीटर एयर राइफल प्राउन में। नेक्स्ट, भारत की पहलवान गीता फोगाट के ओलंपिक प्रदर्शन के बारे में कथन सत्य है कि यह भारत की पहली महिला पहलवान है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई थी। इन्होंने महिलाओं की 55 किग्रा भार वर्ग में भाग लिया था। ये अपने ही मुकाबले में कनाडा की पहलवान से हार गई थी, लेकिन ये आप कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीती थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने भारत का ध्वजवाहक किसे घोषित किया 2012 लंदन ओलंपिक में तो सुशील कुमार को घोषित किया। नेक्स्ट है, लंदन ओलंपिक में खेलों के लिए भारतीय टीम का सेफ द मिशन किसे चुना गया था तो अजित पाल सिंह को चुना गया था। नेक्स्ट, लंदन पैरा ओलंपिक 2012 में भाग लेने से पूर्व डोपिंग जांच में भारतीय नेत्रहीन एथलीट क्या नाम था, हितेश सचदेव को दोषी पाए जाने के कारण पैरा ओलंपिक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। हितेश सचदेव किस स्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाड़ी थे तो शूटिंग में थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लंदन, भारत ने लंदन 2012 से पहले कितने व्यक्तिगत पदक जीते थे तो 7 व्यक्तिगत पदक जीते थे, जिसमें से पहला था केडी जाधव 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में कांस्य पदक जीते थे 57 kg भार वर्ग में। उसके बाद जीते थे कलम मलेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक भारोत्तोलन में। उसके बाद निशानेबाजी में राजवर्धन सिंह राठौर 2004 में रजत पदक जीते थे। उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में 2008 में स्वर्ण पदक जीते थे। उसके बाद आपके 2012 में फिर से निशानेबाजी में विजय कुमार रजत पदक, निशानेबाजी में गगन नारंग कांस्य पदक जीते थे। तो इस प्रकार आप संख्या में याद रखिए, पूरा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है, 1900 के पेरिस ओलंपिक में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने भारत की ओर से 2 रजत पदक जीते थे। भारत इन पदकों को अपने रिकॉर्ड में नहीं मानता, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो थे नॉर्मन प्रिचार्ड। नेक्स्ट, वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पदक विजेताओं के बारे में सत्य है क्या है कि अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और विजेंद्र कुमार ने 75 किलोग्राम में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था और सुशील कुमार ने 66 kg भार वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक में। तीनों बातें हैं तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, आजादी के बाद ओलंपिक इतिहास में भारत द्वारा जीते गए ओलंपिक व्यक्तिगत पदक के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो आजादी के बाद 1952 ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और 1996 अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस में एकल में कांस्य पदक जीता था। फिर आपका 2000 सिडनी ओलंपिक में करण मलेश्वरी ने महिला में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 2004 एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में डबल ट्रैम्प स्पर्धा में रजत पदक जीता था। और फिर 2008 में आपका कौन जीता था, 2008 में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन देशों ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है उनकी पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम रहा है तो भारत देश प्रथम रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 2012 तक ओलंपिक के सभी क्वेश्चंस आपने देख लिया, लेकिन 2016 रियो ओलंपिक और 2020 टोक्यो ओलंपिक के बारे में यहाँ पे नहीं दिया है। तो वहां पे 2016 में हम बता देते हैं आपको कि 2016 में 2 पदक भारत ने जीता था, वो बैडमिंटन में एक पदक पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था और
कुश्ती में साक्षी मलिक ने 2016 में कांस्य पदक जीता था फ्री स्टाइल में और प्रथम महिला रेसलर बनी साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक में, और जो दीपा कमाकर थी जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में क्वालिफाई हुई थी, फाइनल में पहुंचने वाली पहली जिम्नास्ट बनी थी, ये पॉइंट याद रखिएगा 2016 में। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक, अभी तक के सबसे ज्यादा पदक जीता है भारत ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें 7 पदक जीता है, जिसमें से 7 पदक में कितने पदक जीता है, 7 पदक जीता है, 7 पदक में एक स्वर्ण पदक, ठीक है, एक स्वर्ण पदक प्लस 2 रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक प्लस 4 कांस्य पदक यानी कि ब्रांज मेडल जीता है, यानी कुल 7 पदक जीता है भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में। उसमें से एक स्वर्ण पदक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। 2 रजत पदक किसने जीता है यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो मीराबाई चानू ने जो 2020 टोक्यो ओलंपिक के भारत की तरफ से पहला पदक जीतने वाली है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर भारत तुलना में 49 kg में रजत पदक जीती है। और दूसरा खिलाड़ी कौन है रजत पदक में, रवि कुमार दहिया कुश्ती में 57 kg भार वर्ग में रजत पदक, यानी रजत पदक में मीराबाई चानू वेट लिफ्टर में, रवि कुमार दहिया कुश्ती में जीते हैं, और स्वर्ण पदक में एक नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। और 4 कांस्य पदक जीता है भारत ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में, उसमें है 4 कांस्य पदक में पहला है लवलीना बोर्गोहेन जो बॉक्सिंग में जीती है, पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीती है, बजरंग पुनिया कुश्ती में 65 kg फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीते हैं, और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये था एक मैराथन क्लास ओलंपिक से रिलेटेड 776 ईसा पूर्व प्राचीन ओलंपिक से लेकर के अभी वर्तमान तक 2020 टोक्यो ओलंपिक तक सभी बातें मैंने एक ही वीडियो में आपको दे दिया है। आई होप कि इतना समय तक आप देख लिए होंगे वीडियो और सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह मेहनत करने के लिए, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।